हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हो एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज और साथ ही प्रिंसिपल की भी यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। आपके सामने सबसे पहले सब्जेक्ट रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स, BFAD, कंप्यूटर, कॉमर्स और EVS एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो इस तरह की वैकेंसीज हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो इंग्लिश में आपके लिए यहाँ पर 4 वैकेंसीज हैं। सभी वैकेंसीज ये असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी है, BFAD में 6 वैकेंसी हैं, कंप्यूटर में 1 है, कॉमर्स में 6, EVS में 1 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसीज एंड पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके पास PhD होना चाहिए या फिर आप नेट क्वालिफाइड हो, तो उन्हें यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये बताया हुआ है इसमें कि PIET NCR कॉलेज अ पार्ट ऑफ PIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये PIET NCR कॉलेज है, ये PIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ही एक आप कह सकते हैं इनका इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पर ये वैकेंसीज आई हुई हैं। साथ ही यहाँ पर नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी हैं। नॉन टीचिंग वैकेंसीज में लाइब्रेरियन, ऑफिस असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट, कंप्यूटर एंड फैशन डिजाइनिंग के अंडर में यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पे स्केल, रिलैक्सेशन इन एज क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एक्सेट्रा एज पर UGC, DHE हरियाणा और KUK नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेंगी। द API स्कोर टेबल फॉर प्रिंसिपल एंड टीचिंग स्टाफ विल बी एज पर DHE एंड UGC नॉर्म्स के, जो आपकी API होती है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है कि जो आपके API होगा वो UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो उसमें जो मार्क्स होते हैं उसी के बेस पर सेलेक्ट किया जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करने के लिए इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इनका करियर पेज है। करियर पेज पर जब आप विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 लिंक मिलेंगे, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म टीचिंग, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म नॉन टीचिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसमें एक चीज़ और नीचे बताई गई है कि टीचिंग के लिए क्या लिखा हुआ है कि यू कैन डायरेक्टली सेंड योर रिज्यूमे टू दी बिलो मैंशनड IDs। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चाहें तो इन मेल IDs पर अपने रिज्यूमे को डायरेक्ट भी भेज सकते हैं अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन ना करना चाहते हो। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इस लिंक को ओपन कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का फॉर्म है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखा जाए तो ये कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ये आपका एक तरीके से PDF है। आपको इसको फिल करके बाई ईमेल ही इसको भेजना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाई द एप्लीकेंट इन हिज हर ओन हैंड राइटिंग। ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग में इसको लिखना है एंड कम्प्लीटली और टू बी टाइप्ड आउट। ओके, प्लीज अटैच एक्स्ट्रा शीट इफ रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट मोर डिटेल्स फॉर एनी पॉइंट, ऑल्सो अटैच ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको लगानी है और साथ ही इसमें ये कह रहा है कि कम्प्लीटली और टू बी टाइप्ड आउट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए इस फॉर्म को वे फिल करना है, नहीं तो मैं सबसे अच्छा ऑप्शन तो आपको जो मैंने आपको बताया कि सीधे आप यहाँ पर अपने रिज्यूमे को मेल कर दीजिए, जो भी डिटेल्स हैं उसमें प्रोवाइड कर दीजिए और एक PDF कंप्लीट बना करके उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप जो भी भेजना चाहते हैं वो भी भेज दीजिए, तो ईजिली आपके लिए हो जाएगा एप्लीकेशन करना। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉलेज का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, ये हरियाणा में है, आप देख सकते हैं पानीपत हरियाणा में यह कॉलेज है। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं जो यहाँ आसपास रहते हैं तो वो लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। दिल्ली के जो लोग हैं वो लोग कर सकते हैं, गुरुग्राम हरियाणा के आसपास के लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की रेगुलर वैकेंसीज दोस्तों आपके लिए लाते रहते हैं चैनल पर। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।